वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आज की वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये स्पेशली मैंने फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाई है कि उन्होंने कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है। बाकी जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, जैसा कि बताया जाता है और आपको पता होता है, आपकी कोर्स सिलेक्शन नोटिस बोर्ड के ऊपर भी आ रहा होता है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है उन्होंने कोई कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी होती। तो जो फर्स्ट फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए कोर्स सिलेक्शन लाजमी होती है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं बकायदा से। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो फौरन आप तक पहुंच जाए और आप उससे फ़ायदा उठाएं। तो अगर हम अपना LMS ओपन करें और नोटिस बोर्ड के ऊपर जाएं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, तो हमें कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे। और वहाँ पे जो कोर्स सिलेक्शन की डेट थी उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखें तो इस हिसाब से जो लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर है, और ये 3 अक्टूबर को हो गई थी एक्टिव, और 25 अक्टूबर तक ये आपने इसको कंप्लीट कर लेना है कोर्स सिलेक्शन को। अगर आप कोर्स सिलेक्शन नहीं करते, सवाल उठता है कि अगर कोर्स सिलेक्शन नहीं करते तो क्या होगा, तो फिर आपका ये सेमेस्टर LMS में जितने भी एक सब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है या दो हैं, वो ये सेमेस्टर आपका फिर उसी के साथ गुजर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 6 महीने रखने थे सब्जेक्ट, तो वो इसी सूरत में है, 6 या 7 या 5, तो सेमेस्टर को भरपूर तरीके से आपने कम्प्लीट करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोर्स सिलेक्शन करें। कोर्स सिलेक्शन करने के लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले तो अपना LMS ओपन कर लेना है। LMS ओपन करने के लिए गूगल में जाएंगे आप, सिंपल आपने लिखना होता है VULMS, और जैसे ही आप ये लिखते हैं तो ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना ID और पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपने LMS ओपन करना है। मैं एक LMS ओपन करता हूँ और आपको कंप्लीट यहाँ पे समझाता हूँ कि आपने कोर्स सिलेक्शन को, तो हमने LMS ओपन करना है, और LMS जैसे कि यहाँ पे ओपन है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आपको एग्जामिशन कितनी हुई है। तो 5वें सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, सबसे पहले उन्होंने अपनी एग्जामिशन चेक करनी है कि उनको पिछली डिग्री की बेस के ऊपर कितने सब्जेक्ट उनके आने वाली डिग्री जो आप कर रहे हैं इस वक्त, उसमें से कितने क्रेडिट आवर टोटल होते हैं उस डिग्री के, कितने आपके पिछली डिग्री की बेस पे माइनस कर दिए गए, एग्जेम्प्ट कर दिए गए, और कितने आपको अब पढ़ने हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आप ओपन करेंगे ज़रा ग्रिड बुक। ग्रिड बुक के ऊपर आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि टोटल जो BS है ये मैथमेटिक्स है, और यहाँ पे है 134 क्रेडिट आवर टोटल इस डिग्री के लिए रिक्वायर्ड हैं, और एग्जेम्प्टेड कितने हुए हैं पिछली BSc या जो भी डिग्री थी इनकी, तो उसकी बेस के ऊपर 58 एग्जेम्प्टेड हुए हैं। अब 58 में से हम अगर 134 निकालें तो आप इसी तरह किसी की एग्जेम्प्शन ज़्यादा होती है होती है, आपने हर किसी ने जो भी दोस्त स्टूडेंट्स वीडियो देख रहा है, तो आपने इसी हिसाब से अपनी एग्जेम्प्शन को माइनस कर लेना है। पता चल जाएगा आपको एग्जेम्प्शन कितनी हुई, कितनी डिग्री आपकी जो है वो पेंडिंग है, कितने क्रेडिट आवर आपको मज़ीद कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे 58 है और 134 है। अगर हम इसको 134 माइनस करेंगे 58, तो 76 क्रेडिट आवर हमें बाकी बचेंगे। 76 क्रेडिट आवर ये टोटल क्रेडिट आवर्स हैं। अब अगर हमें ये पूछना है कि हमें कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी या कितने जो हैं वो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तो हम इस 76 को डिवाइड कर देंगे 3 से। तो हमारे पास 25 के करीब किताबें आ रही हैं। इसमें प्रोजेक्ट भी होता है, तो 25 से 26 किताबें आपको पढ़नी है एक सेमेस्टर में। आप ले सकते हैं अगर हम ये इसको 26 भी कर लें टोटल को, एक सेमेस्टर में आप ले सकते हैं 6 किताबें, तो उसके हिसाब से ये 4 सेमेस्टर आपके कंप्लीट होते हैं। इस तरह आपने जो अपनी डिग्री को कैलकुलेट कर लेना है। ये एक जो एग्जेम्पशन है
ये पिछली डिग्री की बेस के ऊपर होती है, किसी को ज़्यादा मिलती है किसी को कम मिलती है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे इनका मैथमेटिक्स है और इन्होंने जो पिछली डिग्री की थी बीएससी उसमें डबल मैथ और फिजिक्स था, तो वो समझने के सीख जो कंटिन्यू हो रहा है। और अगर मैं आपको यह बता दूं कि एग्जेम्पशन कम क्यों होती है, ये अगली डिग्री के ऊपर बेस होता है कि आप जो डिग्री कर रहे हैं आपने पीछे क्या किया हुआ। अगर रेलिवेंट सब्जेक्ट हो तो एग्जेम्पशन ज़्यादा हो जाती है, अगर रेलिवेंट ना हो तो फिर आपकी एग्जेम्पशन कम होती है। अब ये तो चीज़ें क्लियर हो गई, अब आपको आपने इसमें से ये माइनस करना है, आपके पास रिमेनिंग क्रेडिट आवर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे जो क्रेडिट आवर अर्न लिखा हुआ है, ये जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर वीयू में कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी आपके सब्जेक्ट पास होंगे आपकी जो क्रेडिट आवर्स कंप्लीट होंगे वो यहाँ पे आते जाएंगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि मेरे इतने बाकी हो गए हैं, इतने जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आ जाएं ज़रा एक और चीज़ यहाँ पे कि वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो अब आपने जाना है यहाँ पे कोर सिलेक्शन में, जो आज की हमारी वीडियो है उसके मुताबिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक चीज़ यहाँ पे देखें, अगर हम इस पेज के ऊपर आए हुए हैं तो क्रेडिट अर्न्स, अर्न का मतलब है कि जब वीयू में आपने पेपर देने हैं तो उसके ऊपर बेस के ऊपर होगी। एग्जेम्प्टेड पिछली डिग्री के बेस के ऊपर और करंट सेमेस्टर नंबर वन, तो यहाँ पे सवाल आ जाता है कि हमारा तो 5वां सेमेस्टर है, यहाँ पे वन क्यों लिखा हुआ है। ये वन का मतलब है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, जो एग्जेम्पशन होनी थी वो आपकी यहाँ पे उन्होंने बता दी है कि भाई इतने सब्जेक्ट क्रेडिट आवर्स आपके माइनस हैं। अब आ जाएं इसको दोबारा कंफर्म करने के लिहाज से, तो आपने एक दफ़ा यहाँ आके अपनी माई स्टडी स्कीम चेक कर लेनी है। ये जो भी कोई देख रहा हो 5वें सेमेस्टर वाला स्टूडेंट, उसने अपने हिसाब से देखनी है, बिल्कुल इन चीज़ों को मैच नहीं करना कि इनकी तो 58 है तो आपकी 24 क्यों थी, ये 45 क्यों थी, ये किस तरह की, ये आपके अपने अपने चेक करने हैं हर स्टूडेंट ने। तो यहाँ पे देखें ये है स्कीम ऑफ स्टडी, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की 8 सेमेस्टर आपको यहाँ पे नज़र आएंगे बीएस मैथ के, ठीक है, यहाँ पे 8, 7 और ये 8। अब यहाँ इस तरफ देखें तो पेंडिंग और कुछ एग्जेम्प्टेड, ठीक है, यहाँ देखें बिल्कुल जब फर्स्ट सेमेस्टर में पहला पहला सब्जेक्ट एग्जेम्प्टेड नहीं किया क्या, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ा नहीं था, बाकी सारे एग्जेम्प्टेड कर दिए हैं। फिर एक जो VU001 होता है, तो ये सभी के लिए ही होता है, पढ़ना पड़ता है, और किस तरह पढ़ना है वो ऑलरेडी मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ। फिर CS201 है, ये एग्जेम्प्टेड नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होगी वो भी एग्जेम्प्टेड नहीं किया गया। इस तरह जितने एग्जेम्प्टेड हैं इस स्कीम ऑफ स्टडी में वो आपकी कोर्स सिलेक्शन में ना शो होंगे ना आपको यहाँ आते हुए पढ़ने पड़ेंगे, तो इस तरह ये कम आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन आपकी शो हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ अब आ जाए ज़रा कोर्स सिलेक्शन के ऊपर, ये कोर्स सिलेक्शन इसको क्लिक करेंगे तो आप आ जाते हैं कोर्स सिलेक्शन वाले पेज के ऊपर। बाज़ औक़ात इंटरनेट स्लो हो जाता है और इस वजह से किसी पेज के ऊपर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपके लिए। तो आपने, मैं जब तक पेज ओपन हो जाता है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि जो 5वें सेमेस्टर में है, बगैर कोर्स एग्जामिशन के, बगैर कोर्स सिलेक्शन के आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जो कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपरली आप कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ ऑलरेडी एक VU001 आ रहा है सिलेक्शन में और एक CS101 आ रहा है। यूँ समझ लें कि ये जो VU001 है, इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग, ये हर स्टूडेंट्स चाहे वो 5वें में था, बीएड में था, BScS है, फर्स्ट सेमेस्टर है, ADP है, या कुछ भी है, वहाँ पर ये जीरो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा आपका VU001। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे देखें ये बटन काम नहीं कर रहा, आप CS101 को ड्रॉप कर सकते हैं। अब आ जाए ज़रा कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है। और एक चीज़ यहाँ पे, ये कोर्स सिलेक्शन रूल्स हैं, ये आपने एक दफ़ा लाजमी पढ़ लेने हैं, ठीक है, ये हर डिग्री के हिसाब से होते हैं कि आपने उसमें क्या करना है, तो ये लाजमी हर हर बंदा, हर डिग्री वाला लाजमी पढ़ ले ताकि उसको बाद में कोई टेंशन ना हो कि
शुरू में जो चीज़ों के बारे में हमें बताया नहीं गया, और ये आपको यहाँ पे इस बटन के अंदर क्लिक करने से मिल जाएंगे। अब आ जाएं कि CS201 अगर हम चूज करते हैं, फिर CS201 है मतलब इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, उसके बाद इकोनॉमिक्स हम रख लेते हैं, उसके बाद कुछ ये प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट होते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि आपने ये वाला पास करना है तो फिर ये मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम वन कोर्स फ्रॉम द कोर्स ग्रुप ECO402, SCS301 एंड CS301। तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे कर लेते हैं एक, और इस तरह आप मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है ना बिल्कुल कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट ऑलरेडी इन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं, तो मैं जस्ट आपको बता रहा था कि आपने अपनी मर्जी से करने हैं। यहाँ पे उन्होंने पहले से किए हुए हैं सब्जेक्ट, जो उनको दिल किया उन्होंने कर लिए, हम इसको नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे सेव नहीं करेंगे। तो आपने यहाँ देखना है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से पढ़ने हैं। ये पढ़ने आपको सारे पढ़ेंगे, सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से जैसे बताया गया है कि ECO402, SCA301 और CS301 में से एक ले सकते हैं, और फिर आगे जाके ECO606, CS602 और SCA632 इसमें से आप एक ले सकते हैं। ठीक है, यानी तीन तीन के ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें से आप सिर्फ एक ले सकते हैं, बाकी चॉइस नहीं होती, जैसे बिल्कुल आगे भी जाके इसी तरह ही है। तो इसी तरह का पेज आपकी स्क्रीन के सामने होगा, तो आपने सीक्वेंस से लें या आगे पीछे लें ये आपकी मर्जी, हम नहीं आपको कहेंगे। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है 21 credit hours, इसका मतलब है कम से कम आप 6 सब्जेक्ट तो सिलेक्ट कर सकते हैं। 6 इसलिए कि अगर 7 हों तो 21 बनते हैं 7, अगर 3 को 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7 बन जाते हैं। तो वजह ये है कि आप, तो इस तरह जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आपके राइट साइड के ऊपर और ऊपर आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, तो इनमें से आपने सीक्वेंस के साथ जो भी चाहेंगे आप आपने कर लेने हैं चूज़। मैक्सिमम जो क्रेडिट लिमिट्स है ऊपर लिखी हुई है 21 है, तो आपने क्या करना है कि सिंपल जो जो बटन है इनको राइट साइड पर करना, ये ग्रीन होते जाएंगे। क्योंकि इन्होंने पहले से कोर्स सिलेक्शन की हुई है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। एक दफ़ा मैं होम पेज के ऊपर आता हूँ और वापस फिर कोर्स सिलेक्शन के ऊपर जाता हूँ, ताकि जो मैंने बटन चेंज किए हैं वो वापस रिवर्स हो जाएं। उसके बाद जस्ट देखें, जैसे इन्होंने खुद कोर्स सिलेक्शन की हुई है, इन स्टूडेंट्स ने उन्होंने बीच बीच में से सब्जेक्ट उठाए हुए हैं, और ये स्टूडेंट की टोटल अपनी चॉइस होती है कि वो बीच बीच में से कर लें, लेकिन करने सारा ही होते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। कोर्स सिलेक्शन में शामिल हैं आपकी स्कीम ऑफ स्टडी में, आपने उसको करना सारे, लेकिन आगे पीछे कर लें ये भी आपकी मर्जी है। तो सेव बटन क्लिक करना है आपने चूज़ करने के बाद, उसके ऊपर यहाँ पे आके लोड बटन के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे लोड के ऊपर क्लिक करेंगे जितने भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए होंगे वो आपकी होम स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। तो जब जो भी सब्जेक्ट होम स्क्रीन के ऊपर आ गया वही आपको कंटिन्यू करना होता है। तो ये इतना सा सिंपल सा है प्रोसेस कोर्स सिलेक्शन का। बाकी ऊपर ये जो नोटिस चल रहा है इसका मतलब है कि 25 तारीख तक अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, CS101 था उसको छोड़ के आप कुछ और रखना चाहते हैं, तो भी आप 25 तारीख तक चेंज कर सकते हैं, ये अलाउ होगा। जैसे ही कोर्स सिलेक्शन ख़त्म होती है जो भी सब्जेक्ट आपके होम स्क्रीन के ऊपर आए हुए होंगे वही आपने आगे कंटिन्यू करने हैं। उम्मीद है कि ये सिंपल सा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। तो कुछ भी पूछना हो, नंबर आपको आपको पता है कि हर वीडियो में नज़र आता है, इसको चेंज कर सकते हैं कोर्स सिलेक्शन को। अब जो ये वीडियो इतनी काफ़ी है कोर्स सिलेक्शन के हवाले से, अब जो क्लासेस लेने के हवाले से वो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं तैयार करता हूँ आपके लिए, कि आपने क्लासें कैसे लेनी हैं, अटेंडेंस कैसे होगी, और इनकी जो हैंडआउट्स हैं वो आपने कहाँ कहाँ से डाउनलोड करने हैं, लेक्चर्स कैसे देखने, सारी उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, और उससे पहले एक आखिरी बात जो होती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितनी वीडियोस हैं वो आप तक फौरी पहुंचती रहें, क्योंकि देख तो आप रहे होते हैं लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर आपके पास नोटिस आ जाता है, और हमें भी उसका फ़ायदा होता है कि जो हम कोशिश कर रहे हैं, जाहिर है मोटिवेशन होती है इस चीज़ से कि देखने वाले देखते हैं, पूछते हैं, मशवरा करते हैं,
तो बड़ी खुशी महसूस होती है इस चीज़ से कि हम जो मकसद एक हमारा है स्टूडेंट को रहनुमाई देना, वो रहनुमाई हम किस हद तक देने में कामयाब हैं। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, उम्मीद है समझ आ गई होगी। वीडियो हर जो मैं अपलोड करता हूँ उसमें आपको मिल जाता है। मेरा गला ख़राब है कुछ दिनों से, तो व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है अगर आप पूछना चाहते हो कहीं से भी पाकिस्तान में, तो व्हाट्सएप के ऊपर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।